दोस्तों अगर आप VI के यूज़र हो, VI का सिम चलाते हो, उसमें आप रिचार्ज करते हो, और दोस्तों अगर आप 299 का रिचार्ज करते हो या फिर उससे प्लस वाला रिचार्ज करते हो, तो दोस्तों आपको ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देख के ही क्लिक किया होगा कि आपको 2GB डेटा मिलने वाला है फ्री में VI की तरफ से, तो आपको दोस्तों वो कैसे मिलने वाला है सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ आपको वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों अगर आप कोई भी सिम चलाते हैं, किसी भी सिम का डेटा यूज करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो दोस्तों आपके सामने ये समस्या कभी ना कभी जरूर आती होगी कि आपका डेटा खत्म हो जाता है पर दोस्तों आपको डेटा की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसी समस्या को दूर करने के लिए VI आपको देता है महीने में 2GB डेटा फ्री। दोस्तों VI आपको महीने में 2GB डेटा 1GB 1GB करके दो बार महीने में देता है। तो दोस्तों बहुत सारे VI यूजर को ये चीज पता ही नहीं कि आप VI की तरफ से फ्री में डेटा 1GB हर महीना ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसे ले सकते हैं वीडियो में आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो दोस्तों आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार में VI टाइप करके सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे VI का ऑफिशियल एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पे अपडेट बता रहा है। तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा मौजूद है 0.46 GB, ठीक है। इसका मतलब है 450 MB के आसपास में मेरे पास डेटा है। और दोस्तों आप यहाँ पे दूसरी तरफ देख सकते हैं कि मेरे पास 4.1 GB डेटा और भी अवेलेबल है पर मैं इसको यूज नहीं कर सकता। मुझे दोस्तों अगर ये डेटा यूज करना है तो मुझे उसके लिए सैटरडे या संडे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये वीकेंड वाला डेटा रोल ओवर का जो डेटा बचा रहता है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है कि या तो डेटा खरीदना पड़ता है या फिर किसी से हॉटस्पॉट के जरिए उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ना तो डेटा खरीदना है ना तो अपने दोस्त से किसी से रिक्वेस्ट करना है हॉटस्पॉट के जरिए डेटा शेयर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेटा आपको कहाँ से मिलेगा वो भी फ्री और महीने में 2GB डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे डेटा प्लान आपको दिख जाएंगे, तो दोस्तों उनमें से आपको कोई परचेस नहीं करना है, आपको कोई भी खरीदना नहीं, सिंपली आपको यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करके चले जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिकेट एंड डेटा पैक का, तो उस पर आपको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 1GB डेटा फ्री में मिलने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है गेट 1GB डेटा फ्री फॉर टुडे। इसकी वैलिडिटी भी यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगी, दोस्तों एक दिन के लिए आपकी इसकी वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों इस डेटा को आपको लेने के लिए, इसको क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लोडिंग होगा, उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री 1GB डेटा मिडनाइट, तो दोस्तों आपको यहाँ पे फ्री डेटा मिलने वाला है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंजॉय अनइंटरप्टेड एंटरटेनमेंट अप टू 2 times a month, ठीक है। आप महीने में 2 बार इस तरह का डेटा ले सकते हैं। तो दोस्तों डेटा लेने के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्लेम वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लोडिंग होगा, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे डेटा आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है चीयर्स डेटा ऑन इट्स वे, और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है योर रिक्वेस्ट टू क्लेम 1GB फ्री डेटा हैज बीन एक्सेप्टेड एंड आई विल प्रोसेस्ड विद 30 मिनट। तो 30 मिनट के अंदर दोस्तों आपका डेटा आपके मोबाइल में ऐड हो जाएगा और दोस्तों आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। ये सब हो जाने बाद दोस्तों आपका जो मैसेज वाला इनबॉक्स है वहां पे आपको एक मैसेज आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं मैसेज इसमें आ चुका है, मैं इसको पहले कर लेता हूं ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं VI की तरफ से एक मैसेज आ चुका है, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैंने मैसेज को ओपन कर लिया और आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको यहां पे डेटा आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप महीने में 2 बार क्लेम करके 1GB 1GB डेटा आप कभी भी ले सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे VI यूजर को ये चीज पता था कि VI की तरफ से हर महीना 2GB डेटा मिलता है, और दोस्तों उन सब यूजर को ये भी पता है कि कैसे इसको क्लेम करके लिया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे यूजर को पता ही नहीं है कि आपको VI की तरफ से महीने में 2GB डेटा मिल जाता है। तो दोस्तों इस बारे में जिन जिन को नहीं पता था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें। जय हिंद।